अरे अरे भाइयों, स्वागत है तुम लोगों का एक और नए वीडियो में। और मुझे क्या हो गया, मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। लगता है शायद लाइक और सब्सक्राइब की भीख मांग रहे हैं। तो देखो, आज की वीडियो में हम लोग फिर से एनिमेशन वीडियो देखने वाले हैं। नहीं नहीं, कार्टून्स की नहीं, नॉट योर टाइप की, क्योंकि अभी अभी एक वीडियो आई हुई है 5 घंटे पहले। और देख रहे हो, मैं रिकॉर्ड करने ही बैठ गया हूँ यहाँ पे, मेहनत तो करता हूँ मैं। भाई देखो, मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो 2 महीने पहले आई थी, एंड इतने टाइम बाद नॉट योर टाइप भाई ने कुछ डाला है एंड हम देखने वाले हैं साथ में। तो आओ देखते हैं। ओके, कहाँ है वो भाई? वो झूठ बोला मुझसे। ओए क्या कर रहा है? और भाई ये क्या हो रहा है भाई? गिली पुच्चियां की हो रही है भाई इधर। ओए क्या कर रहा है? आरसीबी दे रहा था। सीपीआर कैसे है उसे? जो लोग डूब के मर रहे होते हैं ना, उन्हें मिलता है ये। है सच में? ओए ले, अब मर रहा हूँ करना भाई। इसको उससे कुछ, वो तो लड़की भी नहीं थी। ठीक है भाई, कहाँ है वो नकाब पोस्ट गोल्डन एडिशन कार्ड? तूने कहा था कि तू हमें ला के देगा, क्योंकि जिसके पास भी वो कार्ड होता है पूरी दुनिया उसके कदमों में झुकती है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो कार्ड जिसके पास भी होता है वो बर्बाद हो जाता है, और मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। तो मुझे बताओ वो कार्ड कहाँ। मेरी बारी। तू नहीं मानेगा ना सरदार, तुझे पता भी है तू किन लोगों से पंगा ले रहा है? हम दलीन गैंग है। मैं दानिश। मैं लीला। मैं निन्नू। हम तीनों मिलके बनाते हैं दलीन। भाई इंट्रो बढ़िया है। देन दलीन कैसे हो गया? ये लेंदा हो गया। और लेंदा बन रहा है, तीनों ने मिलके चमकता लेंडा बनाया है। अरे पोजीशन गलत हो गया है हमारा। साले 2 घंटे पहले ही बनाया है हमने ये। और सुनो, कोचिंग के बाद फिर से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। इस बार लेंडा नहीं बनना चाहिए। और तू भाई प्लीज कर लेना, वैसे वीडियो तो पहले करनी चाहिए थी यार। और तू बहुत मजे आ रहे हैं ना, अब मैं तेरा चुस्सा मारूंगा। क्या बॉस? कल ही मैंने हार्ट अटैक से चुस्सा मारना सीखा है। चुस्सा मारना, उंगलियों के बीच में रबड़ बैंड में एक टूथपिक फंसा के छोड़ देना, बच्चों का एक फन लविंग प्रैंक, किसी की आंख में लग जाए तो उसकी तो मैया। भाई सही टाइम पे कर दिया म्यूट। नहीं तो मेरे को ऐसा बीप डालना पड़ता। बट ये वाला गेम खेला हुआ यार हम लोगों ने। हम तो पेपर को फोल्ड करके ना उसको ऐसे फंसाते थे फिर मारते थे। हार्ट अटैक वाले के साथ कुछ तो गड़बड़ है। सॉरी बच्चों, मेरा आज मेरी बीवी के साथ डिवोर्स हुआ है। उसने मुझे और नारियल अन्ना को साथ में नहाते हुए पकड़ लिया था। प्रिया बस अब अच्छे दोस्त है यार, नारियल अन्ना बस मुझे अपने नारियल का पानी पिलाते हैं। अब तू गया भाई। ओए लो, ये भी नहीं बनाते आता, ला इधर दे। ऐसे बनाते हैं बेटे। अरे नहीं, हेलो बच्चों कैसे? बच्चे तो गलत तरीके से चुस्सा मार रहे हैं। मैंने बच्चों को ये मेरे दिमाग में भी आया था बट मैंने बोला नहीं। मैंने बच्चों को राक्षस बना दिया है, अब साथ ही में मुझे कमजोर बच्चों की भी मदद करनी पड़ेगी। ओए सुनो बुरी धूत के बच्चे, जब तुम्हारी ये जबरदस्त कुटाई हो जाए अपने नरम पिछवाड़े पे हार्ट अटैक पेस्ट लगा लेना, जो की बनता है सही मात्रा में न्यूज़पेपर और फेविकोल मिला देने से। सही कहा, इससे तुम्हारा पिछवाड़ा कड़क और मजबूत हो जाएगा। अरे नहीं, वो तो ऑपोजिट गैंग लीडर मैड का रॉब है। क्या बच्ची, कॉपी करके बहुत छाना बन रहा ना तू? रेफरेंस तो सब मुझे अब समझ आया। आज मैं बनाना सिखाऊंगा 9mm पिस्टल, जिसके लिए हम ले लेंगे एक कार्डबोर्ड शीट, पेंसिल। भाई ये तो सारे वो आते थे शोज डिज्नी चैनल पे भाई। हो सकता तुम मैं बहुत सारे लोगों को समझ ना आए क्योंकि तुम इस जमाने के बच्ची हो, मैं थोड़ा पुराना हूँ। दादा परदादाओं के दादा परदादाओं के जमाने का कुछ तो बोला मैंने फाइनली। 9mm पिस्टल, जिसके लिए हम ले लेंगे एक कार्डबोर्ड शीट, पेंसिल, एक रोलर, एक मार्कर, कुछ क्लिप्स, हमारे फेवरेट वाटर कलर और सीजर। बच्चों सीजर का यूज करते हुए आपके आसपास आपके माँ बाप जरूर होने चाहिए, और अगर माँ बाप ही ये बना रहे हैं तो आपके माँ बाप का होना बहुत जरूरी है। चलिए फटाफट इसे जोड़ लेते हैं, यहाँ से इसे काट देते हैं, यहाँ से इसे जोड़ देते हैं, और लीजिए बन गई हमारी 9mm पिस्टल। क्या बच्ची, बहुत छाड़ा बनता ना तू? कभी ये घुसी ना तो हार्ट अटैक से सीधा हार्ट अटैक। हाँ मुझे आ रहा है। भाई मैं ये शोज देख के चीजें बनाता था सीरियसली। आंसर तो हम ले लेंगे एक कार्डबोर्ड, एक न्यूज़पेपर, कुछ क्लिप्स और हमारे फेवरेट स्केच पेन, इन सबको जोड़ लेंगे और लीजिए बन गया हमारा नया का नया हेलीकॉप्टर, वो भी ड्राइवर के साथ। दिखना भी मत भाई।
मैं उस जितना ताकतवर कभी नहीं बन पाऊंगा। यार उसने तो अपनी गर्लफ्रेंड तक स्केच पेन और न्यूज़पेपर से बनाई है। अब सुन, अगर शाम तक तूने मुझे वो गोल्डन कार्ड लाके नहीं दिया तो तू खलास। तो ये थी पूरी कहानी, अब मुझे बचा ले भाई प्लीज। हमेशा कांड करने के बाद ही क्यों याद आता हूँ मैं तुझे, और ऐसे झांकना बंद कर यार अंदर। ये गोल्डन कार्ड के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन तलीन गैंग से लड़ने के लिए हमारी एक आदमी जरूर मदद कर सकता है। शांति भैया, वो मुझे फाइट सिखा सकते हैं। है करता है हाँ, क्योंकि मुझे डर लगता है, क्योंकि वो औरत मुझे हमेशा घूरती रहती है। ओ भाई, ये कौन सी औरत थी? डरावनी थी यार। आओ शांति, WWE खेले। हाँ, हम लोग WWE खेल रहे हैं, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये लो। नहीं शांति, अलग प्रकार का WWE। शांति हमेशा रेडी रहता है WWE के लिए। नहीं शांति, शांति नहीं, शांति। ओ भाई यार, आर यू सीरियस? अबे वो गिर के मर भी चुकी है। अरे तुम दोनों कैसे हो? शांति भैया, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। शांति भैया, लगता है मेरा हाथ टूट चुका है। ओए सच्चा नाश, शांति भैया मुझे आपसे रेसलिंग सीखनी थी यार। ओए गया मैं गया भाई, वो दलीन गैंग के दल ने मुझे नहीं छोड़ेंगे। ऐसे डरते नहीं है पापे, मेरा बस हाथ टूटा है, इरादे नहीं। इस टूटे हुए हाथ से मैं नहीं डरता, क्योंकि मैं हूँ शांति। मैं हूँ शॉर्टी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने बाहर में हूँ अंडरटेकर। व्हाट भाई, कैसे था कुछ? अरे नहीं भाई, ओए फंस गया भाई। ओए इस लड़की को ये कौन खा रहे हैं भाई? तोते कुत्ते तो नहीं है ऑब्वियसली। क्या बोल रहा हूँ मैं, इस कलर के तो कौए भी नहीं होते, क्या है ये? छोड़ो भाई। और यहाँ पे शॉर्टी भी आई, गाड़ी पे लिखा हुआ है शॉर्टी बुंड 300। ओके के पास ले चलता हूँ। आगे किसी मेडिकल पे भी रोकना, लगता है मेरी आंख। भाई क्या हो रहा है? अरे नहीं, इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि एनिमेटर ने यही सेम लोग आगे भी कॉपी पेस्ट करके रखे हैं। वो देखो, दूसरा शॉन्टी। हाय हाय। अरे नहीं, उसे एनिमेटर ने देख लिया। आइडिया, हमें उस खोखार जंगल से चलना चाहिए, जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है फिर। ए चाचा, साइड हटो। ए ताऊ, थोड़ी गाड़ी पीछे लाना। ए भाई, तू भी निकलना है यार उधर। हाँ हाँ, बढ़िया, परफेक्ट रास्ता, एकदम बढ़िया, बिल्कुल। पहुंच गया। यप। आउच। ठीक है। ये तो हांडे अंडरटेकर। अंडरटेकर दूर रहो मुझसे। ओ भाई अंडरटेकर भाई, बिग फैन यार, फैन में भूत दूंगा भाई मैं। एक ऑटोग्राफ दे दो प्लीज। मूर्तिया व्हाट भाई, उसने बोला नहीं, सिर्फ मूर्ति दिया, तुम देख रहे हो? नहीं है ये बॉटल। सॉरी भाई अंडरटेकर, एक ऑटोग्राफ दे दो प्लीज। इसे व्हाट? थैंक यू यार भाई, लव यू यार अंडरटेकर भाई। आज तक किसी ने मुझसे ऐसे परमानेंट ऑटोग्राफ नहीं मांगा। ये परमानेंट रहेगा? हाँ। अरे नहीं नहीं, फिर अपना नाम काटो, क्या कर रहे हो? एक मर्द होके अपने शरीर पे दूसरे मर्द का नाम लेके घूमूंगा तो अच्छा लगेगा क्या? अब तो हो गया भाई। वो क्या हुआ अंडरटेकर? देखो, एक मर्द की पीठ पे दूसरे। तुम्हारी पीठ बड़ी कोमल है। अब देखो अंडरटेकर, ये बहुत गलत है, ठीक है? बिल्कुल सही बात है, ये सही नहीं है। मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। हाँ, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। तुम एक काम करो अंडरटेकर, मेरी एक गर्लफ्रेंड है तो तुम उसके साथ मेरा नाम लिख दो। लिखो शॉन्टी एक्स प्रीति, और लास्ट में एक दिल भी बना देना। ठीक है। गर्लफ्रेंड तो मरी ना शायद। ठीक है। थैंक यू अंडरटेकर भाई। वैसे आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? गलत किया। इस समाज ने मुझे भूत और मेरी माँ को चुड़ैल बोलकर हमारे घर जला दिया है। हमें भागकर इस जंगल में आना पड़ा। जरा जरा देखो मेरी बिचारी भोली माँ को। भोली। हेलो हेलो, मेरी प्यारी माँ। अंडरटेकर, क्या तुम पापे को रेसलिंग सिखाओगे? नहीं,
इस रेसलिंग ने मुझे दिया ही क्या है? ना इज्जत ना प्यार, तेरा प्यार 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 मुक्का मार। नहीं क्या? अब सॉरी कुछ नहीं, तुम यार कुछ भी हो रहा है, तुम्हें तुम्हारी इज्जत वापस मिलेगी अंडरटेकर। नहीं अपने लिए नहीं अंडरटेकर, अपनी भोली माँ के लिए सोचो। हेलो 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 माँ, तुमने सही कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन अबे यार, उसके बदले में मुझे अपनी खोई हुई इज्जत वापस चाहिए। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। ये एक अंडरग्राउंड फ्री फाइटर्स चैंपियनशिप है, जहाँ पर दुनिया के बड़े से बड़े और अलग से अलग फाइटर्स आके लड़ते हैं। अगर तुम यहाँ पर जीत गए तो तुम्हें इस दुनिया में क्या पूरे यूनिवर्स में इज्जत मिलेगी। वो देख, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम्स बगल में आ गए, लाइफ में कुछ करना है। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? वाह, जीतने वाले फाइटर को मिलेगा ये गोल्डन गाय। ओह यस, अब तो मुझे रेसलिंग सीखने की भी जरूरत नहीं है, अब बस तू फाइट जीत भाई। कार तो मिल गया। मुझे लगता है मुझे वो दारू की बोतल से इन्फेक्शन इन्फेक्शन हो गया। ओह ये क्या, तूने प्रीति की स्पेलिंग गलत लिखी थी। मुझे लगता है मुझे डॉक्टर पास जाना चाहिए। शॉन्टी लव पार्टी। ओए तू मां संभाल यार अपनी। और गोल्डन कार्ड भी जीता है। अच्छा हाँ, ठीक है दोस्तों, खेल में एक और नया खिलाड़ी आया है, अंडे टेकर। नहीं पहले आप प्रफुल साइड से मिलिए, हमारी चैंपियनशिप के टॉप चंदा डोनर। जरा इनके जलवे तो देखिए, ये इनके नाचाइश बच्चे देखिए, ये इनकी साइड चिक देखिए, ये दूसरी साइड चिक, ये डाउन चिक, और ये प्रफुल साइड का बम चिकी बम चिक, और ये अंडे टेकर। बड़े भाई आप यहाँ कैसे? आपको तो समाज ने भगा दिया था ना। हाँ, और तुम हमें बचाने तक नहीं आए। हाँ मैं नहीं आया, और क्यों आता मैं? तुमने और माँ ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। मुझे आज टिपिकल बॉलीवुड मूवी वाला सीन चल रहा है। क्यों आता मैं? समाज ने मुझे दिया ही क्या है? सब्सक्राइब करके मुझे सब्सक्राइब दे दो प्लीज। और क्यों आता मैं? तुमने और माँ ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। मुझे आज भी याद है बचपन में हम जाका मत भाई, किसी को नहीं सुननी तेरी स्टोरी। लड़ोगे कब? कोई बात नहीं, मेरी स्टोरी पे दूसरा एपिसोड बनेगा। अरे ओए अंडरटेकर खड़ा हो भाई, तुम ऐसे नहीं हार सकते, तुम्हें अपनी माँ के लिए जीतना होगा। याद करो जब तुम पैदा हुए थे। मुबारक है आपको, अंडरटेकर हुआ है। अरे बाप रे, धुआं कहाँ से आ रहा है? लाइट का कलर भी बदल गया। याद करो अंडरटेकर जब तुम पहली बार गिर गए थे। ना, 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 ना। याद करो अंडरटेकर जब तुमने पहली बार किस करी थी। उलाला। ओ ये क्या याद करवा रहा है उसे? ए, चुप ना पापे। डरो नहीं अंडरटेकर। नहीं, मुझे मर्द लोग पसंद है। अरे ये क्या? और हमारा विजेता है अंडे टेकर। चलो पैकअप पैकअप कलाना, अब चलो सब कलाना। विक्की ये लाल लाइट निकाल लियो याद से, शाम में राहुल की शादी में भी सेम सेटअप लगाना है, ठीक है? ये माइक पकड़ना, इसको थोड़ा जश्न तो मनाने दो प्लीज। ये माइक पकड़ना, ठीक है? ये लो तुम्हारा गोल्डन कार्ड। थैंक यू। चलो हो गया। ये अंडरटेकर तुम जीत गए, कार्ड दे दे भाई। तुमने कर दिखाया अंडरटेकर, देखो तुम्हारी कितनी इज्जत है। गलत किया, मुझे आज भी याद है बचपन में जब। पकाओ मत ब्रो, किसी को भी नहीं सुननी तेरी स्टोरी, कितनी बार बोलूं, इससे अच्छा तो मैं ये कर लूं। ठीक है। थैंक यू नॉट योर टाइप, मुझे नहीं पता था कि लाइफ में मुझे भी कभी इतनी इज्जत मिल सकती। वो भी जा भाई, नाइस, ये बढ़िया था बढ़िया था। काफी सारे ऐसे बचपन में जो शोज देखे थे उनके रेफरेंस थे। मेरे को तुम्हें एक बात बतानी है, तुम लोग मेरे पे गुस्सा नहीं करोगे, ठीक है? मुझे एक गंदी नजरों से नहीं देखोगे। हाँ हाँ, मैंने WWE नहीं देखा। नहीं देखा यार, क्या कर सकता हूँ मैं? मेरे घर पे इतने पैसे नहीं थे कि अब केबल का रिचार्ज करवा पाए।
नहीं देख पा रहा। सब्सक्राइब कर दो गाइस, लाइक कर दो। बहुत एक्टिंग होगी भाई, अभी तक तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो हाँ, इसी के साथ आज की वीडियो के लिए हो चुका है काफी ज्यादा एड। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि ऑब्वियसली लगी होगी, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और मैं तुमसे मिलूंगा आगे और भी ज्यादा वीडियोस में। टिल देन बाय।